हद के जलान अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे। मरीज के परिजनों का आरोप है कि 7 दिनों से यहां पर इलाज किया जा रहा है, मरीज की मौत हो चुकी जबकि, लेकिन शव को फ्रिजर में रखकर अस्पताल वाले इलाज के नाम पर पैसे मांग रहे थे। अब तक 2.5 लाख रुपए बिल दिया जा चुका है। बागबारा के रहने वाले निजी चालक शंकर महतो को यहां पर भर्ती कराया गया था। तो एक बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से आ रही है जिसमें एक मरीज की मौत के बाद भी अस्पताल में उसे रखकर, उसके शव को रखकर लगातार इलाज का झांसा देकर के इलाज किया जा रहा है। स्थिति ठीक है और उसके बाद पैसे ऐठे जा रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। मरीज के परिजनों ने कहा कि उन्हें बहुत पहले इस बात की जानकारी मिल गई थी, अंदरखाने से जानकारी मिल गई थी कि उनका मरीज अब नहीं रहा, लेकिन प्रबंधन की ओर से कभी यह नहीं बताया गया। जब हम लोग विधायक के पास गए, वो लाइनअप कर दिए थे सारा चीज रांची में भर्ती करने के लिए। उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए कि हम लोग को मैंने यहाँ खर्चा करने में असमर्थ है, हम लोग रांची ले जाना चाहते रिम्स में, जैसे बोले कि हम लोग ले जाना चाहते रेफर के लिए बात किए, तब तक ये लोग अपना मतलब ये बुलाएं, इसको बुलाए, ये पंपिंग करने लगे, तो कभी बोल रहे हैं उसको साइन कराइए, कभी इसको साइन कराइए। मरीज हमारा 2-3 दिन पहले डेट किया हुआ है, ये लोग जानबूझ के मारा है खाली पैसा। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धनबाद से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अरुण बंडवाल। अरुण, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्या सच में ऐसा है या फिर महज एक आरोप है और अब फिलहाल पुलिस क्या मामले की छानबीन कर रही है? देखिए पंकज, ये जो धनबाद का ये जो सो कॉल्ड एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एशियन द्वारकादास जलान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ ऐसी आप अगर लगातार पिछले कुछ महीनों का खाका उठाएंगे तो हर एक महीने में एक या दो ऐसी घटनाएं घट जाती है जहां पर ऐसा माना गया है कि या तो अस्पताल प्रबंधन या क्योंकि वहां के चिकित्सकों की लापरवाही है, क्योंकि इनका ये अपना एक फंडा है, इनको मीडिया से अपने आप को दूर रखते हैं, जिसके कारण अगर सही भी है, जो अगर परिजन किसी तरह के कोई परिजन अगर गलत आरोप भी लगा रहे हैं तो उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। और जबकि ये जो नया जो मामला है, ये बागमारा के डुमरा का एक निजी चालक है शंकर महतो, और जिससे उसके परिजन जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से वो एडमिट था और लगातार पिछले 2-3 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी है और सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए अस्पताल प्रबंधन लगातार इस तरह करता है, तो अब ऐसी स्थिति में तो पंकज, जब सामने वाला पक्ष अपना कुछ रखने से इनकार कर रहा है, तब ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर खामियां हैं, इसे तभी वो मीडिया में आने से बचना चाह रहा है। अब कहां तक की क्या बात है, पुलिस फिलहाल पहुंच गई थी वहां पे और लोगों को शांत कराने का प्रयास कर किया जा रहा है, जो अगर आप सही में क्वालिफिक समझ रहे हैं तो हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टरों के खिलाफ कंप्लेन करें। मामला अभी बातचीत पे चल रहा है, अब देखा जाए क्या कुछ निकल पाता है। चलिए बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी, तफसील से दी और अपडेट जो भी होगा आप हमें बताइएगा जरूर, ताकि दर्शकों तक हम इस खबर को पहुंचाएं और इस अस्पताल की करतूत सामने लेकर आएं।